brought to you by ITIL Series. मायावती जो शायद ही आपको किसी शादी ब्याह के कार्यक्रम में नजर आती हूँ, वो ना सिर्फ एक शादी के कार्यक्रम में पहुंची बल्कि वर वधु को आशीर्वाद भी दिया। आपको बता दें कि बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के बेटे की शादी के कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वर वधु को आशीर्वाद दिया। बता दें कि कार्यक्रम में बसपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पुत्र चिरंजीव प्रिंस युकेश सिंह जी के शुभ विवाह के सुअवसर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे परिवार की इस खुशी के अवसर पर पधारकर अपना आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती का मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पहले आप भी देखें कि कैसे मायावती शादी में पहुंची, उन्होंने वर वधु से मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की और कैसे वो सबकी खुशी में सम्मिलित नजर आई। बता दें कि बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से उमा शंकर सिंह विधायक हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र एक सीट मिली थी। विधायक उमा शंकर सिंह मायावती के विश्वास पात्र माने जाते हैं। उमा शंकर सिंह की पहचान न सिर्फ बसपा के कद्दावर नेताओं में होती है बल्कि इलाके में ये काफी लोकप्रिय भी है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी तक के लिए आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।